उत्तराखंड के पहाड़ों में हुनर की कमी नहीं है, कमी है तो बस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की और एक बेहतर मंच की। नमस्कार, मैं देव नेगी और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। जी हाँ, वीडियो में जिस युवक को आप गुनगुनाते हुए देख रहे हैं वे अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत निवासी कमलजीत मेहता हैं, जिनकी गायकी की बारीकियों को आप बखूबी देख सकते हैं। मूल रूप से रानीखेत तहसील के महत गांव निवासी कमलजीत देवभूमि दर्शन से खास बातचीत में बताते हैं कि उनका दो लोगों का बैंड है हुंकार नाम से, जो कि नैनीताल, मुक्तेश्वर इत्यादि जगहों में शो करते हैं और इसमें उनका साथ देते हैं देव कुमार आर्या। अगर बात करें संगीत उपकरणों की तो वे गिटार और क्लैप बॉक्स का उपयोग करते हैं। रात उठी पोश गड़ान्या, रात उठी पोश गड़ान्या, पाड़ी ले भरना भिन कले रोटी खाणी तिल घास काटी जाना। बार बजे तू घर आई सासू की गल खाई, बार बजे तू घर आई सासू की गल खाई। कमलजीत कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में ही मुझे आगे कार्य करना है और इसके लिए मेरी मेहनत जारी है। वहीं जब कमलजीत से पूछा गया कि पहाड़ के युवाओं के लिए इसमें कितना स्कोप है और यह कितना सार्थक सिद्ध हो सकता है, तो वे कहते हैं कि पहाड़ के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भी पहाड़ में इस काम को काम नहीं माना जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को इस क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, तो अगर भविष्य में हमारी वजह से इसमें कोई भी सुधार होता है तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि यह समस्या सिर्फ पहाड़ के एक कमलजीत की नहीं है, न जाने ऐसे कितने हुनरमंद युवा हैं जिनका टैलेंट आज सिर्फ पहाड़ तक सीमित रह गया है। वाकई उत्तराखंड के ऐसे होनहार और हुनरमंद युवाओं को जरूर एक बड़ा मंच मिलना चाहिए, जिससे वह अपने सपनों को तो साकार कर ही सके, साथ में अन्य उभरते हुए युवा कलाकारों को भी इससे प्रोत्साहन मिल सके। उम्मीद है आपको कमलजीत मेहता की यह प्रस्तुति बेहद पसंद आई होगी और इसके लिए आप भी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पहाड़ के इस युवा को एक बेहतर मंच मिल सके। गिरा बिलोरी को घा।